इज अप गाइस, सभी का फिर से बहुत ही मजेदार तरीके से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट 3D खोल लेंगे, जो कि हम हर वीडियो में खोलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट्स का, तो उस पर क्लिक करके उसको ओपन करने से पहले हम यहीं पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हम कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे कैनवस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको अगर थोड़ा सा स्क्रोलर से थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो हमारा कैनवस जो है वो इतना सा है, और उसका जो बैकग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह का ग्रे कलर का दिखता है। और अगर हम इसको 3D व्यू में जाके देखेंगे और जूम आउट करेंगे तो कैनवस के आसपास थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है। अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमें कैनवस दिखाई देता है, और यहाँ पे उसकी शेडो दिखाई देती है, और छोटा सा यहाँ पे कुछ ग्लो भी दिखाई देता है। तो आप लोगों का अगर इसकी ग्लो चेंज करना हो, या फिर अपना जो कैनवस है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो उसके लिए हम इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इफेक्ट्स, क्योंकि आप लोगों ने इफेक्ट्स चूज़ किया है। नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा फिल्टर, और ये डिफ़ॉल्ट, मतलब जब भी डिफ़ॉल्ट ये जो है, आप जब भी पेंट 3D ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा। और नीचे आपको इसमें बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, जिनका अलग अलग नाम है। थोड़ी देर अगर आप अपने कर्सर को उनके ऊपर रखते हैं तो उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारे इसके कलर है, ये कैंडी हो गया, ये नाइट, ऐसे अलग अलग कलर से। नीचे आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा होगा एक टायर, टायर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट व्हील, मतलब यहाँ से ये जो व्हील देख रहे हैं आप, यहाँ से किसी भी कलर की ब्राइटनेस को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना ब्राइटनेस चाहिए। खैर यहां पे ब्राइटनेस में परसेंटेज नहीं दिखाती, वो आपको डायरेक्ट अपने कैनवस पे इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहां पे जैसे कि डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो डिफ़ॉल्ट में आपकी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 100% ब्राइटनेस कहाँ है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट आ जाती है। अगर हम इसे धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये डार्क होते जाएगा, और यहाँ यहाँ आते आते धीरे धीरे इसमें थोड़ी लाइटिंग आ जाती है, और वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं करेंगे, जैसे कि ये कैंडी, तो कैंडी की जितनी भी मैक्सिमम है, देखिए अभी हमारा जो ब्राइटनेस का जो लेवल है वो यहाँ तक है, और अगर हम जैसे कैंडी पे क्लिक कर देते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है, जितना वो ब्राइटनेस इसकी जो 100% है, वो ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्टेड आ जाती है। इसको अगर हम अपने माउस पर जो लेफ़्ट क्लिक है उसको अगर प्रेस करके अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे पीछे का जो कलर है, जो पिंक कलर है, वो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसकी ब्राइटनेस पे भी हल्का सा हमें कैनवस पे भी इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा कैनवस थोड़ा सा काला हो गया, और अगर हम थोड़ी ब्राइट इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा कैनवस जो है वो वापस से धीरे धीरे अपने कलर में आ रहा है। और अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो हमारा कैनवस इतना सा है, और 3D व्यू में जाके देखेंगे तो उसका जो शेडो जो है उस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, और ग्लो पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो यहीं से हम रेड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड से हमें याद आया कि हमारा जो सब्सक्राइब बटन है वो भी रेड कलर का है, उसको भी आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, उसको दबा दो ताकि हमको थोड़ा अच्छा फील हो। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतनी आसानी से बनता नहीं है। तो रेड कलर में भी जाके आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का इफेक्ट इसके कैनवस पे, ग्लो पे, शेडो पे आपको देखने को मिलेगा, और बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई भी देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये डार्क कलर का, ये इसका जो सन है, तो इसको आप अगर इस लाइट को मूव करते हैं तो आपका सन भी मूव हो जाता है। देखिए अगर आप इस सन को इधर थोड़ा यहाँ पे ला के रख देंगे कैनवस के थोड़े से ऊपर, और इसको 3D व्यू में देखेंगे तो उसका ग्लो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और अगर इस
सन को आप थोड़ा सा इससे दूर ले जा देंगे, तो उसका 3D व्यू में जाएंगे तो थोड़ा जो ग्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये एज एक सन की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे जो बटन दिया गया है सेट करने का वो भी यहाँ पे सन की तरह दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।